दुनिया ने देखी भारत की सामरिक ताकत। परेड से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल के अपडेटेड वर्जन को भी परेड में शामिल किया गया। अपडेटेड वर्जन में ब्रह्मोस मिसाइल को और बेहतर किया गया है, जिसे किसी भी परिस्थिति और मौसम में आसानी से दागा जा सकता है। इसका हाल ही में बंगाल की खाड़ी में टेस्ट भी किया गया था। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ने अपने बेड़े के कई ऐसे घातक हथियारों की प्रदर्शनी की, जिनके सामने दुश्मन के बड़े बड़े घातक हथियार भी टिक नहीं पाते, जिससे दुश्मन थर्राते हैं और इन हथियारों का मुकाबला करने के लिए दुश्मनों को कई बार सोचना पड़ता है। इसी तरह के हथियारों में एक बेहद घातक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल है, जो गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि को सलामी देता नजर आया। परेड में लेफ्टिनेंट काला ने इसकी अगुवाई की। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम पड़ा था। इसे भारत की तीनों सेनाओं में पहले ही शामिल कर लिया गया है, लेकिन कर्तव्य पथ पर पहली बार इसके अपडेटेड वर्जन को दिखाया गया, जिसमें इसकी मिसाइलों को और बेहतर किया गया है, जिसे किसी भी परिस्थिति और मौसम में आसानी से दागा जा सकता है, जिसका अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में परीक्षण भी किया गया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो बेहद कम समय में दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और कर्तव्य पथ पर परेड की इस बार खास बात यह भी रही कि महिलाओं ने भी परेड का नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम का जो प्रदर्शन था वो पूरा उसका नेतृत्व किया, तो लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी आर्मी की डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल टीम का हिस्सा रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। इस बार 74वें गणतंत्र की सबसे अहम बात ये रही कि परेड के दौरान महिला सशक्तिकरण की धूम रही। कई अहम टुकड़ियों की अगुवाई महिलाओं ने की। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। फिलहाल चेतना आर्मी एयर डिफेंस यूनिट में पोस्टेड है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मेक इन इंडिया की नई पहचान है। वहीं गणतंत्र दिवस पर पहली बार बीएसएफ की ऊंटों की टुकड़ी में महिला अफसरों को शामिल किया गया। इस साल नौसैनिक झांकी की थीम नारी शक्ति रखी गई। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत गणतंत्र दिवस की परेड में 144 युवा नाविक को लीड करती दिखी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी आर्मी डे की डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल टीम का हिस्सा रही। कर्तव्य पथ पर परेड में डिंपल भाटी तिरंगे को सलामी देती नजर आई। लेफ्टिनेंट भाटी की बड़ी बहन लेफ्टिनेंट दिव्या भाटी भी भारतीय सेना में है।